By further figuring, it appeared that between New York and Rochester, the Erie ran 8 passenger trains each way every day, 16 altogether, and carried a daily average of 6,000 persons. और ज़्यादा जांच करने पे पता चला कि न्यूयॉर्क और रोचेस्टर के बीच में एरी जो है उसमें लगभग 8 पैसेंजर ट्रेन्स जो हैं हर एक तरफ से चलती हैं, मतलब दोनों साइड से 16 ट्रेन्स चलती हैं और 6,000 लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, दैट इज अबाउट 1 मिलियन इन 6 मंथ्स द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। तो लगभग जो 1 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है उतने लोग 6 महीने में ट्रैवल करते हैं, जो लगभग पॉपुलेशन न्यूयॉर्क सिटी की है। वेल द एरी किल्स फ्रॉम 13 to 23% आउट ऑफ इट्स मिलियन इन 6 मंथ्स एंड इन द सेम टाइम 13,000 ऑफ न्यूयॉर्क मिलियंस डाई इन देयर बेड्स। अब अगर यही तुलना करें तो एरी पे जो सफर करने वाले लोग हैं उसमें 13 या 23 इतने लोगों की डेथ हुई मिलियंस में से 6 महीने के अंदर, वहीं और जो न्यूयॉर्क में मिलियंस लोग रहते हैं उसमें 13,000 लोगों की डेथ हो गई अपने घर पे उनके बिस्तर पे। माय फ्लैश क्रैप्ड, माय हेयर स्टूड ऑन द एंड, दिस इज अपॉलिंग आई सेड। तो ये तो एक तरह से गूजबम्स वाली बात है, जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ताज्जुब की बात है, बहुत गलत। द डेंजर इजंट इन ट्रैवलिंग बाय रेल बट इन ट्रस्टिंग टू दोज डेडली वेट्स। इसका मतलब खतरा कहाँ है, रेल से ट्रैवल करने में खतरा नहीं है, बल्कि खतरा जो है अपने घर के जो बिस्तर हैं उनसे है। आई विल नेवर स्लीप इन बेड अगेन, तो मैं इसलिए कभी अपने बेड पर नहीं सोऊंगा। आई हैड फिगर्ड ऑन कंसिडरेबली लेस देन 1/2 द लेंथ ऑफ द एरी रोड। इट वॉज प्लेन दैट द एंटायर रोड मस्ट ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट 11 to 12,000 पीपल एवरी डे। अब मैंने जो है जो लेंथ थी एरी की, जो रोड है उसकी जो लेंथ थी उसको कंसिडर किया, मतलब 1/2 जो लेंथ ऑफ द रोड है उससे भी कम जो है उसको कंसिडर किया। वो पूरी तरह से प्लेन है, सपाट है और उस पर लगभग 11,000 से 12,000 लोग हर दिन सफर करते हैं। देर आर मैनी शॉर्ट रोड्स रनिंग आउट ऑफ बोस्टन दैट डू फुल्ली 1/2 as much as many सच रोड्स। इसी तरह से और भी छोटी छोटी रोड्स हैं जो बोस्टन से निकल रही हैं, लेकिन वो जो है इसके मुकाबले आधा काम करती हैं, वो भी काफी बड़ी सारी रोड्स हैं। देर आर मेनी रोड स्कैटर्ड अबाउट द यूनियन दैट डू अ प्रोडिजियस पैसेंजर बिजनेस। इसी तरह से और भी बहुत सारी फैली हुई रोड्स हैं यूनियन के अंदर जो इस तरह से पैसेंजर रिलेटेड बिजनेस करती हैं। देयरफॉर इट वाज फेयर टू प्रिज्यूम दैट एन एवरेज ऑफ 2500 पैसेंजर्स अ डे फॉर ईच रोड इन द कंट्री वुड बी करेक्ट। तो ये मान के चलते हैं कि एवरेज 2500 लोग जो हैं वो हर दिन हर रोड पे ट्रैवल करते हैं। देर आर 846 रेलवे लाइन इन अवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में 846 रेलवे लाइन्स हैं एंड 846 टाइम्स 2500 आर 21,15,000 लोग सफर करते हैं। सो द रेलवेज ऑफ अमेरिका मूव मोर देन 2 मिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेलवे है अमेरिका का उससे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हर दिन सफ़र करते हैं। 650 मिलियंस ऑफ पीपल अ ईयर। तो उस हिसाब से देखा जाए 650 मिलियन लोग एक साल में ट्रैवल करते हैं विदाउट काउंटिंग द संडेज। इसमें संडेज जो है हम नहीं काउंट कर रहे हैं। दे डू दैट टू, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। दो वेयर दे गेट द रॉ मटेरियल इज क्लियर बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ माय अर्थमेटिक फॉर आई हैव हंटेड द सेंसस थ्रू एंड थ्रू एंड फाइंड दैट दे आर नॉट दैट मेनी पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय अ मैटर ऑफ 610 मिलियन एट द वेरी लीस्ट। एक तरह से इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके ये पाया कि इतने सारे लोग जो हैं वो यूएस में जितने मतलब लोग रहते हैं उससे ज़्यादा जो है इसमें सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। दे मस्ट यूज सम ऑफ द सेम पीपल ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर दिन नए लोग ट्रैवल करते हों, पूरे साल में बहुत सारे लोग हैं जो रिपीटेड होते होंगे, लेकिन तब भी इतने सारे लोग जो हैं वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। सैन फ्रांसिस्को इज 1/8 एज पॉपुलस एज न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के मुकाबले में अगर सैन फ्रांसिस्को की तुलना करी जाए तो वो 1/8 उसकी पॉपुलेशन होगी न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में। देयर आर 60 डेथ्स अ वीक इन द फॉर्मर एंड 500 अ वीक इन द लेटर इफ दे हैव लक। पहले वाले में 60 डेथ हुई एक हफ्ते के अंदर, वही दूसरे वाले में 500 डेथ हुई एक हफ्ते के अंदर, अगर किस्मत है तो। दैट इज
3,120 deaths a year in San Francisco and 8 times as many in New York, say about 25,000 to 26,000. अगर सैन फ्रांसिस्को में 3,120 डेथ हुई एक साल में, तो वही न्यूयॉर्क के अंदर 8 गुना उससे ज्यादा यानी 25 से 26 हजार. द हेल्थ ऑफ टू प्लेसेस इज द सेम, दोनों के जो हेल्थ हैं प्लेसेस के वो बराबर है, यानी दोनों एक जैसी ही हैं. सो वी विल लेट इट स्टैंड एज अ फेयर प्रिजम्पशन दैट दिस विल बी होल्ड गुड ऑल ओवर द कंट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली 25,000 आउट ऑफ एवरी मिलियन ऑफ पीपल वी हैव मस्ट डाई एवरी ईयर. तो एक तरह से ये पूरी तरह से अर्थमेटिक लगा रहे हैं और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये पाया इन्होंने कि लगभग 25,000 लोग, जितने भी लाखों लोग हैं उनके मुकाबले, मिलियन लोगों के मुकाबले 25,000 लोगों की जान जो है हर साल जाती है. दैट अमाउंट्स टू 1/40 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अब उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस हिसाब से ये 1/40 पोर्शन बैठता है. 1 मिलियन ऑफ अस देन डाई एनुअली. 1 मिलियन लोग जो हैं एक तरह से एनुअली उनकी डेथ होती है. आउट ऑफ दिस मिलियन 10 or 12,000 आर स्टैब्ड. लेकिन अब इन मिलियंस में 10 या 12 हजार ऐसे होंगे जिनको स्टैब यानी चाकू मार दिया, शॉट कर दी, गोली मार दी, ड्राउन हो गए, डूब गए हैं, हैंग कर दिए गए, पॉइजन दे दिया और मेट अ सिमिलरली वायलेंट डेथ इन सम अदर पॉपुलर वे सच एज पेरिशिंग बाय केरोसिन लैंप एंड हूप स्कर्ट कॉन्फ्लिग्रेशंस, गेटिंग बरीड इन कोल माइंस, फॉलिंग ऑफ हाउस टॉप्स, breaking through church or lecture room floors, taking patient medicines or committing suicide in other forms. तो उन्होंने ये इतने सारे तरीके बताए हैं कि लोग जो हैं खाली उसी की वजह से नहीं, इसमें बहुत से लोगों की डेथ इस वजह से भी हो जाती होगी जिसमें 10-12 हजार लोग ऐसे भी होंगे. The Erie Railroad kills from 23 to 46. The other 845 road kills an average of 1/3 of a man each and the rest of that million. Amounting in the aggregate to the appalling figure of 987,631 corpses die naturally in their beds. अब एरी रोड जो है, जो एरी रोड रेल रोड है वो लगभग 23 से 46 उसमें से जाते हैं. बाकी जो 845 रेल रोड हैं वो 1/3 जो हैं लोग इंसान के, हर एक 1/3 पे अगर देखें तो एवरेज उससे जो है लोगों की जान जाती है. अब बाकी बचे जो मिलियंस में हैं उसमें से 987,631 जो कॉर्पसेस हैं वो नेचुरल तौर पे उनकी डेथ बेड में होती है. यू विल एक्सक्यूज मी फॉर टेकिंग मेन एनी मोर चांसेस ऑन दोज बेड्स, द रेल रूट्स आर गुड इनफ फॉर मी. तो इतने सब कैलकुलेशंस के बाद जो मैं समझा हूँ वो ये है कि मैं अपने बेड पे चांस लेना नहीं चाहूँगा, मेरे लिए रेल रूट ज़्यादा अच्छी. एंड माई एडवाइस टू ऑल पीपल इज डोंट स्टे एट होम एनी मोर दैट यू कैन हेल्प. But when you have to go to stay at home a while, buy a package of those insurance tickets and sit up nights. तो मेरी सलाह यही है कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मत रुको. अगर by chance घर पे रुकना पड़ता है तो वो जो insurance tickets का package है उसको खरीद लो. You cannot be too cautious. तुम बहुत ज़्यादा cautious भी नहीं हो सकते. One can see now why I answered that ticket agent in the manner recorded at the top of the sketch. अब आपको समझ में आया जब मैंने रेल रोड वाले ने जो टिकट पैसेंजर था या जो टिकट ऑफिसर था उसने जो मुझसे पूछा तो मैंने ऐसे जवाब क्यों दिया. द मॉरल ऑफ दिस कॉम्पोजिशन इज दैट थॉटलेस पीपल ग्रम्बल मोर देन इज फेयर अबाउट रेल रोड मैनेजमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो बहुत सारे लोग जो हैं, इसका जो कॉम्पोजिशन है इसका मॉरल यही है कि बहुत सारे लोग जो विचारहीन लोग होते हैं वो इसी तरीके से रेल रोड मैनेजमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसको लेकर बड़बड़ाते रहते हैं. When we consider that every day and night of the year, full 14,000 railway trains of various kinds, freighted with life and armed with death, go thundering over the land, the marvel is not that they kill 300 human beings in a 12 month, but that they do not kill. अगर हम ये देखें कि हर चाहे दिन हो रात हो पूरे साल में जितनी भी हमारी 14,000 railway trains हैं हर तरह की, वो जो है जिंदगी से लबालब होती हैं. उनके जैसे एक तरह से ना आप ट्रैवल कर रहे हो, अब आपको ये नहीं पता कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो उसमें आगे क्या होने वाला है. भाई ट्रेन में तो आप सफ़र कर रहे हो तो एक तरह से ट्रेन जो है अपना सही तरीके से काम कर रही है, आपको लेकर जा रही है. तो अगर बाय चांस कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तारीफ़ इस चीज़ की नहीं है कि उसने एक साल में 300 लोगों की जान चली गई, बल्कि ये है कि इतने सारे लोग सफ़र करते हैं और वो ऐसा नहीं है कि सबको ही ख़त्म कर देती है. तो एक तरह का ये जो व्यंग है ये मार्क ट्वेन के द्वारा बताया गया है.
तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।